पीएम नरेंद्र मोदी ने मनोहर पर्रिकर को दी अंतिम विदाई। रोपड़ी स्मृति ईरानी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर को अंतिम विदाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पंजी स्थित दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे। माहौल गमगीन था तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अपने आंसू न रोक पाई। पूर्व रक्षा मंत्री और अपने दोस्त को अंतिम विदाई देते वक्त स्मृति ईरानी भावुक हो गई। आपको बता दें कि कैंसर से पीड़ित मनोहर पर्रिकर का 63 वर्ष की उम्र में रविवार को निधन हो गया। पीएम मोदी ने दिवंगत सीएम के पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। पीएम के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी भी मौजूद रही। इससे पहले पीएम ने ट्वीट कर पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया था। पीएम ने लिखा कि मनोहर पर्रिकर एक अतुलनीय नेता थे। श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने पर्रिकर के दोनों बेटों से मुलाकात की। वह काफी देर तक उनके आगे मौन खड़े रहे। पर्रिकर के दो बेटों में से एक इंजीनियर है जबकि दूसरे बेटे अपना कारोबार चलाते हैं। पर्रिकर की पत्नी का भी 2000 में कैंसर से निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी।